से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में आपसे मिलकर खुशी हुई। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के विषय में बताना चाहती हूँ, और वो निर्णय बड़ा ही सीधा साधा है कि मैं कभी भी नहीं डिगूंगी। हम में से हर एक को ये निश्चय कर लेना है कि प्रभु जिस कार्य के लिए हमें प्रेरित करता है उसे करेंगे। साथ ये भी जान लेना है कि इसके विरुद्ध चाहे कुछ भी आए, हमें दृढ़ और अडिग रह कर प्रभु की सेवा में सदा अग्रसर रहना होगा। आज मैं आपको केवल एक फैसला करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगी, ये कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं वही करूँगी, चाहे जिसका भी सामना करना पड़े। मैं कभी भी नहीं डिगूंगी। प्रभु आशीष दे। हर एक की परीक्षा होती है, हर एक की, कोई भी नहीं छूटता। हर एक व्यक्ति जो खुद एक मसीह होने का दावा करता है, उसे अभी या बाद में उसका सामना करना पड़ता है। हम बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु सबूत तो कर्म ही है। प्रभु मुझ स्तुति से प्रसन्न नहीं होता, वो हार्दिक समर्पण चाहता है। तुम अपने प्रभु परमेश्वर के प्रति अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे हृदय और पूरे बल से प्रेम रखो। एक विश्वासी के नाते यही हमारा सबसे प्रधान प्रथम कर्तव्य है। मौलिक रूप से बिना शर्माए यीशु से सच्चा और पूर्ण प्रेम रखें। वो बड़ा अनोखा है, वो बहुत ही अद्भुत है ना? वाओ। धार्मिकता की वे प्रचारक कहां है जो लोगों से हिसाब चुकाने को कहते हैं? कुछ प्रचारक बीच का रास्ता अपनाते हैं, वे उन बातों को नहीं कहते जो प्रभु उनके मन में डालता है। वे ऐसी बातें कहते हैं जो लोगों को उत्तेजित करें और उन्हें खुश रखें। कई लोग यदि आप वो बात कहें जो प्रभु चाहता है कि आप कहें, तो वे चले जाते हैं। मेरे विचार से खास उपदेश जो आज मैं आपको दे रही हूं, अनेक कलीसियाओं के लिए फायदेमंद होगा, परंतु उनमें से कुछ इसे कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कोई उन्हें ऐसा उपदेश नहीं देगा। आमीन। ईमानदारी से कहूं तो आजकल कलीसिया में सबसे बड़ी समस्या है नेतृत्व का दोष। यीशु ने कहा कि लोग भेड़ों की नाई हैं। आपको करना यह है कि आप भेड़ पर विचार करेंगे तो समझ जाएंगे कि हमें भेड़ कहकर वो हमारी प्रशंसा नहीं कर रहा है। पृथ्वी पर वे ही सबसे मूर्ख जानवर माने जाते हैं, और बिना चरवाहे के वे वहां कभी नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें जाना होता है। आजकल कई लोग क्रूसीन मसीहत का प्रचार कर रहे हैं, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते कि मसीहत का प्रचार करें और क्रूस का नहीं। शारीरिकता और स्वार्थ की मृत्यु का प्रचार किए बिना आप प्रभु की आशीषों का प्रचार कभी नहीं कर सकते। आप ही प्रचार किए बिना मसीहत का प्रचार नहीं कर सकते कि हम स्वार्थी और स्वकेंद्रित नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, वो हमारी सफलता और समृद्धि चाहता है। हाँ, वो चाहता है कि हम सारी आशीषों को पाए, लेकिन उससे भी बढ़कर वो चाहता है कि हम स्वार्थी और स्वकेंद्रित ना हो और हम से भरे हुए ना हो। ये न सोचे कि प्रभु हमारी सेवा करने के लिए ही जीवित है और वो कोई परलोक में विराजमान शहजादा नहीं कि हर दिन हमारी इच्छाओं को पूरी करके हमें खुश करता रहे। मैं नहीं जानती कि कभी कभी हम कुछ बातों से होकर क्यों गुजरते हैं, पर तो मैंने ठान लिया है कि उनके बारे में जानना मेरा काम नहीं है। मुझे तो बस उनसे होकर गुजरना है। मेरा काम हार मानना नहीं है, मेरा काम पीछे हटना नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि हम ये तक जानने लगते हैं कि इसी प्रभु हम पर कितना गर्व करता है। ऐसा है कि इस वक्त मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। जब आप बुरे समय से गुजर रहे हो और पूरा पाताल लोक आपके खिलाफ हो और पृथ्वी का हर एक मनुष्य आपका विरोध करता हो और आपको लगता हो कि अब एक मिनट भी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब आप कहें मैं उससे होकर गुजर रहा हूं। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा यदि ऐसे क्षणों में प्रभु उठकर ये कहे, हे लड़की, हे लड़के, जाकर उसे ले लो। पौलुस ने कहा, मैंने अच्छी दौड़ लगाई है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस की बात मुझे भाती है। उसने कहा, आगे से कोई मनुष्य मुझे परेशान ना करे, क्योंकि मैंने अपने शरीर में प्रभु यीशु मसीह की निशानी धारण कर ली है। वे सभी लोग जो आपका न्याय और आलोचना करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि वे आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और आप ये हैं और आप वो हैं, क्या आप जानते हैं? जब तक आप जानते कि प्रभु के साथ आपका नाता ठीक है और आप वही कर रहे हो जो प्रभु ने आपसे कहा है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जानते हैं मुझमें इतना आत्मविश्वास क्यों है? क्योंकि दूसरे लोग मेरे बारे में चाहे जो भी कहे, मैं जानती हूं कि मैं किसी भी वक्त प्रभु के सामने खड़े होने को तैयार हूं और वो मेरे लिए तैयार है। मुझे किसी बात पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ नहीं कि मैं गलतियां नहीं करती, लेकिन जानबूझकर मैं गलती नहीं करती। आइए सब लोग जोर से कहिए, मैं कभी भी नहीं डिगूंगी। मरकुस 8:34 कहता है, जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कुछ अनुवादों में यह और भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मसीह के पीछे चलने के लिए हमें हर समय निस्वार्थ और परोपकारी रहना है और अपने आप को दूर रखना चाहिए। वो अपने आप से और अपनी इच्छाओं को इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जब तक हम आम की भावना और इस विचार पर जय ना पाले कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या वे हमारी प्रशंसा करेंगे या नहीं, हमें स्वीकारेंगे या नहीं, हम प्रभु के साथ हमारे चलन में कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसे राक्षस हैं जिनका हमें सामना करना है, देश में से दानव हैं, और हमें उनके सामने नहीं झुकना है। मैं आपसे बढ़िया दिखावा और प्रसिद्धि और बाहरी दिखावा, प्रशंसा का मोह जैसे दानव के बारे में चर्चा करना चाहती हूं। हम चाहते हैं कि सभी हमारी प्रशंसा करें, हम चाहते हैं कि सभी सोचे कि हम बहुत ही अद्भुत हैं। निकालिए यूहन्ना 12। कभी कभी आपको इस बात से संतुष्ट होना पड़ेगा कि जब हर कोई आपके विरोध में उठता है तो प्रभु सोचता है कि आप अनोखे हैं। यूहन्ना 12:43, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा और स्तुति और उनसे प्राप्त महिमा उनको परमेश्वर की प्रशंसा और उससे प्राप्त महिमा से अधिक प्रिय लगती है। मनुष्यों से प्राप्त लाभ उनको परमेश्वर से प्राप्त आशीषों से अधिक प्रिय लगती है। उन्होंने मुझे सबकी नजरों में अच्छा दिखना है नामक राक्षस पर जय नहीं पाई है। देखिए यूहन्ना 5:44, यूहन्ना 5:44 ये कहता है, यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, तब तुम किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? क्या आप स्वर्ग में अपना नाम बनाए रखने से बढ़कर इस धरती पर अपनी प्रसिद्धि बनाए रखने के लिए अधिक चिंतित हैं? जानते हैं स्वर्ग में भी आपकी प्रसिद्धि होती है, हम सब की। हाल ही में मैंने ये सीखा कि यदि स्वर्ग में मुझे अच्छा नाम कमाना हो तो मुझे यहां पर अपनी प्रसिद्धि खोने को भी तैयार रहना होगा। आमीन। अच्छा लगना नामक राक्षस का क्या कहें? आराम, सुख सुविधा और
वैभव के दानव, सही होना के दानव का क्या कहें। हमेशा अपनी मनमानी करना, नहीं ये तो अगला है कोई बात नहीं, कभी ताड़े ना जाए, सदा अच्छे दिखे, हमेशा सही रहे, हमेशा उनमें से एक रहे जो ठीक हो। अधिकार चलाने वाले दानों का क्या कहें, नहीं प्रभु अधिकारी है हम नहीं, हमेशा अपनी मनमानी करते रहना, हर किसी को निर्देशन देना, प्रभु को भी। जीवन के संगीत समूह का निर्देशक होने का दानव, ऐसी ही होगी मेरी जिंदगी, ऐसी ही होगी मेरी जिंदगी। बाद में हम अपने परिवार में जाते हैं, आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए और आपकी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं दूसरों पर नियंत्रण और अधिकार जमाया करती थी और उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैं नियंत्रण से बाहर हूं और इसका मजा ले रही हूं। आमीन। संसार को चलाना बहुत ही कठिन कार्य है। अंत में मैंने निश्चय किया, इसका कोई फायदा नहीं होता है, आप जो चाहते हैं करें, आप प्रभु की समस्या है मेरी नहीं। आप तब तक खुश नहीं रहेंगे जब तक कि आप दूसरों पर अधिकार और अपनी मनमानी करना नहीं छोड़ेंगे। जितना अधिक आप नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, उतना अधिक प्रभु सारी चीजों को आपके नियंत्रण से बाहर कर देगा। गुप्त योजना रूपी दानों का क्या कहें, अशुद्ध उद्देश्य, ढोंगी, पाखंडी। क्या आप जानते हैं आज लोग कितने तनावग्रस्त हैं? तनाव तो ऐसा है मानो करोड़ों का व्यापार, तनाव पर पुस्तकें, तनाव घटाने के प्रोडक्ट्स, तनाव कम करने की दवाएं, तनाव संबंधी बीमारियां, हर कोई तनावग्रस्त रहता है क्योंकि लोग अत्यधिक से परेशान हैं और वे अत्यंत व्यस्त रहते हैं। क्या आप नहीं कहेंगे कि शायद एक अच्छा अनुमान है इस तनाव का क्या कारण है? आप लोग जानते कि हमारे संसार में आजकल आवाज ऊंची है और गाड़ी चलाते समय लगता है एनसाइक्लोपीडिया से होकर निकल रहे हैं। हम पर बहुत से खतरे आते हैं, उनमें से कुछ का आप कुछ कर सकते हैं परंतु अधिकों का कुछ नहीं। और मैं आपको चुनौती देती हूं, आप में से कितने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, कितने तनाव महसूस करते हैं? आप कहते हैं मैं और तनाव नहीं सह सकती। कम ऑन, ज्यादा भक्तिमान मत बनिए, मुझे सच कहिए। मैं किसी भी व्यक्ति को चुनौती दे सकती हूं जो अधिक तनाव का महसूस करता है और व्यस्त रहता है कि वो अपने कार्यों की एक सूची बनाए और उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करे, अच्छा प्रभु अब समय है यीशु से मिलने का। आप हर काम पर खुद से सवाल कीजिए, मैं ये क्यों कर रही हूं, और जानिए कि क्या आपका उद्देश्य ठीक है, क्या आप उसे इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये ठीक लगता है, क्या आप उसे इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु चाहता है कि आप उसे करें, या इसलिए कि कोई आपसे उम्मीद रखता है और आप उसे नाराज नहीं करना चाहते, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसके आदी हो गए हैं और यदि भी 5 साल पूर्व प्रभु ने उसे खत्म कर दिया फिर भी आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। नया प्रकाशन, यदि घोड़े को मरे 5 साल हो गए हैं तो उसे उतर जाइए। मरी हुई चीज को धक्का मारते रहने से कोई फायदा नहीं है, ऐसी चीज को जो निर्जीव और अनुग्रह रहित हो, क्योंकि जब आप निर्जीव वस्तु से निपटते हैं जिसे प्रभु ने खत्म कर दिया है, वो आपसे आपकी जान निकाल देगी। चलो किसी ने तो इसे समझ लिया है। हम मजबूरियों और हालातों के तले दबे रहते हैं। आपको जो करना है उसे खुशी खुशी ना करने पर वो आपको रूखा कर देगी, उसे विश्वास के साथ ना करने पर आप सूने हो जाएंगे। मैं आपसे सच कह रही हूं, आप एक सूची बनाकर एक एक करके उन पर गौर कीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, मैं इसे क्यों कर रही हूं, मैं इसे क्यों कर रही हूं, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। उसके बाद आप उन कार्यों को करना छोड़ दीजिए जिसके पीछे गुप्त उद्देश्य है,
उन कामों को करना छोड़ दीजिए जिससे आप अंदर से नफरत करते हैं और बाह्य तौर पर करने का दिखावा करते हैं। ठीक, मुझे वहां आकर समझाने में मजबूर मत कीजिए। आप देखिए, कभी कभी ये हमें जटिल स्थिति में डालकर घबराहट पैदा कर देता है कि ओ भला वे क्या कहेंगे। मैं इसका एक और कारण बताती हूं। यही कारण था जिसकी वजह से मैं ऐसे काम किया करती थी। मैं हर विषय में टांग अड़ाती थी और मैं ये जाने बिना बिल्कुल चैन से नहीं रह सकती थी कि यहां वहां क्या हो रहा है, इसलिए मैं हर कहीं हर बात पर दखल दिया करती थी। यदि सचमुच आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते तो आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा और शायद इससे आपको जरा ठेस लग सकती है। धन्यवाद, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। और हां, निजी लाभ नामक एक दानव भी है। हम वही काम करते हैं जिसमें हमारा कोई लाभ हो, और मेरे विचार से संसार के सबसे दुखी मनुष्य वे ही होंगे जिनके जीवन में निजी लाभ नामक दानव कार्यरत होता है। और मैं आपको बताती हूं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें इसे जानबूझकर करना चाहिए। हमें अपने फायदे के बारे में सोचे बिना उसे जानबूझकर दूसरों के लिए कुछ करने में आनंद लेना चाहिए। आजकल कई बार यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी वे स्वेच्छा से कोई काम नहीं करना चाहते जैसे पहले किया करते थे। आजकल हर कोई हर काम की कीमत लगाता है, हर कोई हर काम में शुल्क चाहता है। यहाँ पर ये कुछ पृथक है। हाँ, प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है और देखभाल करना चाहता है, परंतु मैं आपके मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, वरन बता रही हूँ कि आपको इन दानों से लड़ना है। मैंने जान लिया कि यदि मैं वही बनी रहूँ जो प्रभु चाहता है तो फिर मैं इन दानों को अपने जीवन में आने का अवसर नहीं दूंगी। जानबूझकर हर वर्ष कुछ अवसरों पर जब मैं कहीं पर प्रचार करने जाती हूं, मैं उनके द्वारा प्राप्त दान के पैसे लौटा देती हूं या साफ साफ कह देती हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं इसे जानबूझकर करती हूं क्योंकि मैं निश्चय कर लेना चाहती हूं कि मैं उस दानों को अपने जीवन में आने नहीं दूंगी कि जहां भी मैं जाऊं और जो भी करूं उसमें मेरा कोई फायदा होना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी प्रमुख व्यक्ति हूं कि बिना फायदे के किसी काम में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। वो रोबो मैं अब बहुत ही उत्साहित हूं। जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो, खास तौर से किसी बड़े काम के लिए प्रेरित हो, अर्थात ऐसा काम जिसमें अधिक समय लगे और अधिक धन की जरूरत हो और अधिक श्रम लगे, और शायद जब आप उस काम को करने को राजी हो जाते हैं तब आपको लगता है कि उससे आपका लाभ होगा और पता चलता है कि आपको कुछ मिलने वाला है, लेकिन प्रभु आपसे कहता है कुछ मत लेना, उसे उन्हीं को लौटा दो, स्वर्ग राज्य के वास्ते उसे बो दो। तब सबसे पहले आपके मन में ये बात आएगी कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कुछ साल पहले एक दिन सुबह मैं पलंग पर लेटी थी और उन दिनों मैं प्रभु के संग चलने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। मैं हम से भरी हुई थी, मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मुझ में अहम की भावना भरी हुई थी। मैं लेटी हुई ये नहीं सोच रही थी कि प्रभु बता कि आज मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूं। मैं वहां पर लेटे लेटे कहती थी कि प्रभु मुझे बता कि मैं डेव को फुटबॉल मैच देखने से रोककर उनसे अपना काम कैसे करवा सकती हूं, अपने बच्चों से घर की सफाई कैसे करवा सकती हूं ताकि मैं बस आराम कर सकूं, और किस तरह से मुझे पिज्जा कॉर्नर ले जाने के लिए डेव को राजी करवाऊं। प्रभु मैं काम में लगी रहती हूं, सारा काम करती हूं, कोई भी मेरी मदद नहीं करता, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, मेरा क्या होगा। प्रभु ने कहा, जानती हो जॉयस,
तुम सब लोग मुझे रोबो की याद दिलाते हो। ऐसा लगता है कि सुबह होने पर तुम अपनी आंखें खोलते हो और जैसे ही अपना कदम नीचे रखते हो शैतान आकर आपको चाबी देता है। जानते हैं शैतान कैसे चाबियां भरता है? हमारे मन के विचारों से, जो हम बिस्तर से उठने से पहले ही सोच लेते हैं। इन्हीं विचारों के आधार पर हम उस दिन की क्रियाओं और गतिविधियों को करते हैं। हम चाहे तो सुबह उठकर प्रेम पथ पर चलने के लिए कदम बढ़ाकर हर कहीं पर आशीष बने रह सकते हैं, या फिर बिस्तर से उठकर नीचे कदम रखकर सारा दिन लड़ते रहने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में सदा अपने बारे में ही विचार रहता है। और जो कोई हमारी इच्छा अनुसार करने से इनकार करता है तो हम उस पर नाराज होते हैं, और पहले से ही हमारे मन में बात रहती कि हमारी इच्छा पूरी ना होने पर हम गुस्सा करेंगे। मेरा क्या होगा, 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 क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ईशु हमें क्रूस रहित मसीहियत प्रदान नहीं करता। इन दानवों को अपने जीवन पर अधिकार करने ना दें। बढ़िया दिखना, अच्छा लगना, ठीक रहना, नियंत्रण करना, गुप्त योजना बनाना, स्वयं लाभ रूपी दानव और अंततः आराम से रहना नामक दानव। मुझे तंग मत करो, परेशान मत करो, मुझे प्रतीक्षा करने कठिनाइयों से होकर गुजरने का अवसर मत दो, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप ऐसा वचन देखेंगे जो आपको भयभीत करे? निकालिए आमोस 6, आमोस अध्याय 6 पद 1। धिक्कार है तुम्हें ओ राष्ट्रों के प्रमुख इस्राएली राष्ट्र के नेताओं, तुम्हारे ही पास इस्राएली जनता न्याय के लिए आती है, पर तुम सियोन पर्वत पर निश्चित निवास करते हो, तुम्हें सामरी पहाड़ पर सुरक्षा का भरोसा है। वचन 4 को देखिए, धिक्कार है तुम्हें जो हाथी दांत के पलंग पर सोने वालों, शैया पर आराम से पांव फैला कर लेटने वालों। आप सोफे पर आराम से पड़े रहना चाहेंगे, कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह रही हूं। उन लोगों के बारे में कहा गया है जो बहुत ही आलसी हैं और कुछ नहीं करते, हमेशा अपनी सुख सुविधा ऐशो आराम की सोचते रहते हैं कि मेरा क्या होगा वगैरह, भेड़शाला के मेमनों का कोमल मांस खाने वालों। मैं उन लोगों को जानती हूं। क्या आप जानते हैं? क्योंकि जो लोग मेरा न्याय और आलोचना करते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के सहभागी हैं, अर्थात उसका एक भाग है और हमारा एक भाग है, परंतु जब हम परमेश्वर के भाग को खुद करने की कोशिश करते हैं तब जीवन जटिल होने लगता है। एक काम जो हमें नहीं करना है वो है सारी बातें जान लेना। यदि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी ना हो तो प्रभु पर भरोसा रखने से बढ़कर और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सारी जानकारी पाना हमारा काम नहीं, हमारा काम है प्रभु में विश्वास और ये निश्चय करना कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम आगे बढ़ते रहेंगे और कभी हार मानकर पीछे नहीं हटेंगे। सच मानिए, चिंता एक बंधन है। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं, आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।